नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे एक अपडेटिंग बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड जो कि एलईडी टीवी के बैकलाइट में यूज किए जाते हैं। ये इसके पहले जो ओल्ड वर्जन थे उसमें कुछ अपडेट करके कंपनी ने जो है इसे लॉन्च किया है, तो चलिए देखते हैं। इस बोर्ड का जो परिवर्तन है वो है एम्पियर के सेटिंग का, जो कि एक विशेष है। इस बोर्ड का सबसे अधिक कंप्लेन जो है मॉस्फेट का ही था, जो कि अक्सर ये बर्न हो जाया करता था, यानी जल जाया करता था। और ये इसकी एक जो वजह थी वो यहाँ पे इसकी सेटिंग ना करने की वजह से, क्योंकि हम अलग अलग जगह पे इसको जैसे यूज करते थे तो कुछ लोग तो जानते थे सेटिंग, उनके लिए ठीक था, और कुछ लोग नहीं जानते थे तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम थी। जो कि यहाँ पे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट इसकी सेटिंग होती थी, जैसा कि हम इसके बारे में वीडियो आगे भी बना चुके हैं और इसके डायग्राम भी जो है वीडियो में है, और उसमें हमने जो है सेटिंग को बताया था कि आप अपनी अनुसार जो है इसके एम्पियर को सेट कर सकते हैं। और यही चीज़ जो है कंपनी ने यहाँ पे जो है इसकी अपडेट करके एक नया वर्जन मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी। और इसे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसके जो है 8 जॉइंट बने हुए हैं, जिसमें 8 पॉइंट बने हुए हैं, और सारे पॉइंट को एम्पियर के हिसाब से सेट। इसकी स्टार्टिंग 30 मिली एम्पियर से है, जो कि यहाँ से आप देखेंगे तो ये 8 पॉइंट बने हुए हैं और यहाँ भी जो है 8 पॉइंट है, तो यह J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8 और यहाँ पे भी जो है 1J1, ये 30 एम्पियर है, और ये 60 एम्पियर J2, और यहाँ पे 80 एम्पियर, और ये 100 मिली एम्पियर जो है हमारा यहाँ, और 200 मिली एम्पियर ये है। तो हमारा 30 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर से 60 मिली एम्पियर और 80 मिली एम्पियर और 100 मिली एम्पियर और 200 मिली एम्पियर, ये सारे जो पॉइंट बने हैं यहाँ पे, अगर हम 200 मिली एम्पियर सेट करते हैं तो यहाँ हमको जो है 7 और 8 को दोनों को सोल्ड करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि अगर हम 100 यूज करते हैं तो यहाँ पे 3 पॉइंट हमको जो है सोल्ड करना है, जिससे 4, 5, 6 यहाँ, जिस 4, 5, 6 को अगर हम सोल्ड कर देंगे जॉइंट को, तो हमारा जो है 100 मिली एम्पियर हो जाएगा ये, और 200 मिली एम्पियर के लिए हमको 7 और 8 को जो है जोड़ देना है, और 80 मिली एम्पियर के लिए हमको केवल एक J3 को जोड़ना है, और J1 को जोड़ेंगे तो 30 मिली एम्पियर होगा, 30 मिली एम्पियर यहाँ पे। अगर J1 को जो है केवल एक को हम जोड़ते हैं इसी आयरन से, तो हमारा जो है 30 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे इनपुट BCC हमारा 12 वोल्ट से 25 वोल्ट, और आउटपुट BCC हमारा 35 वोल्ट से 85 वोल्ट, और ये आउटपुट है बैकलाइट के लिए, जो कि यहाँ पे जो है हमारा नेगेटिव है दोनों, और बीच में ये पॉजिटिव है दोनों, और फिर यहाँ पे नेगेटिव है दोनों, ये हुआ आउटपुट। और यहाँ पे आप देखेंगे इस कंडीशन, यहाँ ये जो पॉइंट बने हुए हैं इसके जो है यहाँ ऊपर आप देखें तो BCC जो है, ये BCC यहाँ पे दोनों पॉइंट जो है BCC के लिए हैं, और इसके बाद जो है ऑन ऑफ, बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए, फिर इसके बाद जो है बैकलाइट एडजस्ट के लिए है, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे ग्राउंड, दोनों पिन ग्राउंड का है। तो ये है इसका कनेक्शन, और इसमें जो डिफरेंस है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे इसके ड्राइवर में, तो कुछ जो है कंपनी की मोनोपोली है,
जिसे आप देखेंगे ना आईसी के नंबर हैं और ना ही मॉसफेट के, तो दोनों के नंबर जो है इस पे अपनी मोनोपोली रखा है। और यहाँ पे जो है कुछ परिवर्तन किए गए हैं जो कि सामने हैं, और हमारे ओल्ड वाले बोर्ड से जो है ये डिफरेंस है। और ये डिफरेंस की वजह से हमारा जो है आसान भी है बहुत काफ़ी। और यहाँ पे देख लें, ये J1 सेट के लिए 30 mA, J2 के लिए 60 और J3 के लिए 80, और बाकी 3 और 2 200 के लिए 8 और 7 और बाकी 4, 5, 6 100 mA के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों।